अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर की जर्नी बताऊंगी, उसकी हिस्ट्री बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एंड अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को जर्नी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की बताऊँगी कि कब स्टार्ट हुई थी जर्नी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The computer you are using to read the page uses a microprocessor to do its work. कंप्यूटर को सबसे पहले रीड करते हैं उसके पेजेस को, फिर उसके मतलब माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए उस पर वर्क करते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ द हार्ट ऑफ एनी नॉर्मल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हार्ट होता है कंप्यूटर का, जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर सबका वो एक हार्ट होता है। द माइक्रो प्रोसेसर यू आर यूजिंग मेड बी पेंडनम एम्ड पावर सी और सन सप्रेस ऑफ आर एनी ऑफ द मेनी अदर ब्रांड एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हिस्ट्री, अब आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर आल्सो नो एज अ सीपीयू, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ अ कंप्लीट कंप्यूटेशन इंजन दैट इज फेब्रेटिक सिग्नल चिप। ये एक क्या होता है, ये एक सिग्नल चिप है। माइक्रो प्रोसेसर हमारे एक सिग्नल चिप है। इंटेलीकोनेट द टर्म माइक्रो प्रोसेसर एंड इन 1971 रिलीज द फर्स्ट 4-bit माइक्रो प्रोसेसर। जब पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो 1997 में आया था, और वो किस पे कितने बिट्स का था, वो 4-bit का माइक्रो प्रोसेसर था। एज 4004 हैविंग 2300 ट्रांजिस्टर 60-40 बाइट्स ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी एंड 108 हर्ट्ज क्लॉक स्पीड। द 4004 वाज नॉट वेरी पावरफुल। ये जो होता था वो मतलब इतना पावरफुल नहीं होता था। ऑल इज कुड डू वाज एड एंड सबट्रैक्ट एंड इट कुड ओनली डू दैट 4 bits एट अ टाइम। इसको यूज़ कर सकते थे सिर्फ 4 bits तक। द 404 पावर्ड वन ऑफ द फर्स्ट पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर्स, जिसे कैलकुलेटर्स होते थे, ठीक है। गॉर्डन मोर कंप्यूटर ऑफ इंटेली करप्शन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर इंटीग्रेट सर्किट वुड डबल एवरी 18 मंथ। दिस केम टू नो एज अ मोर लार्जेस्ट 25 years सेंस इन इन्वेंटेशन ऑफ द 404 वी हैव अ प्रोसेसर दैट इज डिजाइन विद 50 million ट्रांजिस्टर दैट कैन एड्रेस 1 TB 1 TB 1 1 10 12 of memory and can operate at 400 minutes hertz to 1.5 frequency. The internally 4004 was quickly replaced by the 8 bits. इसको quickly replace कर सकते थे, internally इसको quickly replace कर सकते थे 8 bits के अंदर। देखिए इंटरनल 404 माइक्रो प्रोसेसर, द इंटरनली 4004 वाज द 4-bit सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ये जो होता है वो 4-bit प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रिलीज बाय इंटरनली कॉर्पोरेशन 1971 में बना था जी माइक्रो प्रोसेसर। इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट सीपीयू ऑन वन चिप एंड आल्सो द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो बना था 4004 हमारा जो फर्स्ट बना था, ये हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 में बना था। सिंपल इसी में ये है कि ये मतलब जो हमारा था ये 4 bits पे काम करता था, और जो ये जब ये पहला बना था 1971 में, ठीक है। अब बात है इंटरनल। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर टू मेक इट इन टू होम कंप्यूटर वाज द इंटरनल 8080 इंट्रोड्यूस इन 1974। ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था वो मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था 1974 में। इट वाज अ कंप्लीट 8-bit कंप्यूटर ऑन वन चिप। ये जो मतलब यूज़ किया जाता था वो 8-bit का कंप्यूटर, मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर था वो हमारा 8-bit का था, जो कंप्यूटर पे मतलब कंप्यूटर पे एक चिप का काम करता था। इट वाज एक्सीडेंट एंड इंजन वेरियंट ऑफ द
early 8008 design a thought without binary. ये जो डिज़ाइन किए गए थे विदाउट बाइनरी की डिज़ाइन किए थे. कैपेबिलिटीज इंटेल स्पेसिफिक क्लॉक फ्रीक्वेंसी लिमिट लिमिट वाज टू एम हर्ट्स एंड विथ कॉमन इंस्ट्रक्शन हैविंग एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 4, 5, 7, 8, 7, 10, 11 साइकिल हैज़ मीन टू 200,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. द 8080 हैज़ समटाइम्स बीन लेबल द फर्स्ट ट्रूली अनेबल माइक्रोप्रोसेसर यूजेबल माइक्रोप्रोसेसर. अब आते हैं जब जो मतलब आई थी माइक्रोप्रोसेसर जब ठीक है तो उनका इंट्रोड्यूस हो रहा है. इंटेल 8085 इज एन 8-bit माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस बाय इंटरनली इन 1977. इट वाज अ बाइनरी कैपेबिलिटी सो जो ये हमारा माइक्रोप्रोसेसर था ये भी हमारा 8-bit का था. ये हमारा बना था 1977 में. इट वाज अ बाइनरी कंपेटिबल विथ द मोर फेमस इंटेल. ये जो था बहुत फेमस था. इसके अंदर बाइनरी को मतलब बाइनरी की तरह यूज होता था. माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम भी बिल्ट ठीक है. ये बना था 1977 में. अब नेक्स्ट पे जाते हैं. Pentium is a registered trademark that includes in the brand names of many of Intel 80 capability microprocessor. The name Pentium, जो मतलब new आया था microprocessor, उसका नाम था Pentium was derived from the Greek pint, meaning five. It is fifth generation. ये जो हमारा था fifth generation में आया था microprocessor. In the P5 was the first release under two Pentium brand on March 22 and 1993. The Pentium 4 brand referred to Intel lines of signal core, desktop and laptop central processing unit CPU is introduced in on November 2, 2000. The internally 32x86 instruction set of the printed name of printed name for microprocessor was exhibited by 64 bits. ये 64 bits पे काम करता था. very clocked from for 1.3 hours to do. ठीक है. अब ये latest U process by internally ये है हमारे microprocessor. 1 June 3, 2007 Intel released the desktop Pentium dual core brand processor known as the Pentium. ठीक है. ये जो हमारे microprocessor थे. Core is a brand encompassing a range of Intel and consumer 64 bits and 864 signal dual and quad core microprocessor based on the core. ठीक है. ये माइक्रोप्रोसेसर जो हमारे थे जो आए थे इंटरनली पेंटियम थे. ठीक है. जो मैंने आपको बताया सो मेरा टॉपिक गेम पे पूरा होता है. सो मैंने आप लोग को आज इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का बताया कंप्यूटर के बारे में बताया हिस्ट्री के बारे में बताया. तो मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट लेक्चर फिर से मैं हाज़िर होंगी.